हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैमर गर्ल जोया। सो दोस्तों, आज आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ एक पाकिस्तानी सूट की कटिंग और उसका मेजरमेंट किस तरह से लेना है और कट कैसे करना है। बहुत ही आसानी से आप पाकिस्तानी अस्तर वाले सूट की कटिंग कैसे करें इस वीडियो के अंदर मैं बताऊँगी आपको। सो गाइस, कुछ इस तरीके का ये जो इसका फैब्रिक है ये फोक्स जॉर्जेट है और इस पर सीक्वेंस की कढ़ाई और पर्ल की कढ़ाई हुई हुई है। रेशम की कढ़ाई भी है साथ में और इसका कलर भी बहुत ही प्यारा है। चलिए देखते हैं। और ये इसका दुपट्टा है, बहुत ही खूबसूरत दुपट्टा है इसका। इस तरीके से ये बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेंड में चल रहा है पाकिस्तानी सूट, और इस तरह से इस पर नेट की फ्रिल होती है। अभी मैं आपको पूरा ऑल ओवर इसको दिखाती हूँ। सो गाइज, ये है सूट का ऑल ओवर लुक। यहाँ पर ये बोटनेक डिज़ाइन इसका दिया गया है और बोटनेक काफ़ी छोटा है मेरे हिसाब से तो, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। और इस तरह से इसका गला बनाया गया है, ये बाजू है और ये, और इस तरह से ये लेंथ इसकी इस तरह से है। और बॉर्डर पर बॉर्डर इस तरह का बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत सा। मतलब ऑल ओवर सूट बहुत ही प्यारा है और इसका कलर भी बहुत खूबसूरत है। तो चलिए अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। और हाँ, उससे पहले ये इसका बैक साइड है, ये प्लेन है जॉर्जेट में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके का इसका जो है अंदर का अस्तर दिया हुआ है। और ये सेंटून में कॉटन मिक्स टाइप का है कुछ, लेकिन अच्छा कपड़ा है। और ये है 4 मीटर, ठीक है, 4 मीटर कपड़ा है ये इसके अंदर। और चलिए अब इसकी फटाफट से कटिंग कर लेते हैं। सो दोस्तों, जब भी हम अस्तर वाला सूट कट कर रहे हो उसमें सबसे जो खास ध्यान रखने वाली बात है वो ये होती है कि हमें इसे जो हमारी जो सूट होता है फैब्रिक जो मेन होता है उसको कट नहीं करना होता है। सबसे पहले हमें कट करना होता है इसका जो लाइनिंग इसके साथ में दी होती है, अस्तर जो होता है, क्योंकि अस्तर से क्या होता है, अस्तर एकदम अच्छा कटता है क्योंकि इसका कपड़ा ज़्यादा इधर उधर नहीं भागता। और जॉर्जेट का कपड़ा बहुत मुश्किल से, मतलब उसका इधर उधर कपड़ा भागता है, तो उसका कटिंग थोड़ा डिफिकल्ट रहता है और ये बहुत आसानी से कट हो जाता है। तो सबसे पहले हम अपना इसके अंदर से सूट का हम नाप लेंगे और उसके बाद उसको हम कट करेंगे। तो आप देख सकते हैं जो इसका अस्तर है उस पर काफ़ी सलवटें आई हुई हैं। तो सबसे पहले हम अपने अस्तर पर जो सूट का कपड़ा है उस पर हम सबसे पहले प्रेस करेंगे। तो दोस्तों, कपड़े पर अच्छे से पहले प्रेस कर लेनी है ताकि सारी जो इसकी सलवटें हैं सारी अच्छे से खुल जाए और हमारा कटिंग बहुत ही नीटली हो सके। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने अपने कपड़े में प्रेस कर ली है और जैसे कि मैंने आपको बताया था ये 4 मीटर कपड़ा है। तो अगर आप इसमें से जो है अरज की साइड से लेंगे क्योंकि इसका अरज काफ़ी लंबा है, तो उधर की साइड से मैं सूट निकालूंगी इसके अंदर से, बाकी आपको बहुत कपड़ा बच जाएगा इसके अंदर। उसके अंदर आप कुछ भी ट्राउज़र, अम्ब्रेला या फिर स्कर्ट टाइप कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं। तो लंबाई मैं यहाँ पर पूरी लूँगी क्योंकि सूट की जो लंबाई है वो हमें पूरी रखनी है, और यहाँ पर इसीलिए मैं जो इसका अरज है ये पूरा लंबा यहाँ से लूँगी। तो मैं आपको इसकी लंबाई बता देती हूँ कितनी है अर्ज की। तो दोस्तों, ये है 44 इंच, 44 इंच इसका अर्ज है। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर से अपना पल्ले का नाप लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा तैयार पल्ला है वो है 20 इंच का तैयार पल्ला। तो उसके अंदर हम लेंगे 4 इंच एक्स्ट्रा दोनों साइड से मोड़ने के लिए, ठीक है। आप 1.5 भी ले सकते हैं और 2 इंच, मतलब आप उसके अंदर 2 इंच भी बढ़ा सकते हैं और 1.5 इंच मार्जिन भी रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले अपना जो है कपड़ा ले लेती हूँ, पल्ले का नाप लेती हूँ। ये हो गया हमारा 20 इंच, यहाँ पर 20 इंच हो गया है। वो 4 इंच हम इसके अंदर बढ़ा के लेंगे क्योंकि हम 2-2 इंच दोनों साइड से मोड़ेंगे, तो 4 इंच का हम यहाँ पर मार्जिन इसके अंदर ले लेंगे एक्स्ट्रा, ठीक है। यहाँ पर ये हमने मार्क कर दिया। अब इसे हम इस तरह से पकड़कर इस तरह से मिला लेंगे आपस में। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर पल्ला नाप लिया है और यहाँ से हम ये कपड़ा निकाल लेंगे, पूरा कट कर लेंगे क्योंकि वो हमारा बाद में हमारा बॉटम बनाने के काम आएगा। तो ये हमारा सूट का हो गया, इसे हम कट कर लेते हैं। यहाँ पे भी 24.5, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर तैयार लंबाई ली है और अब हम इसको बीच में से फोल्ड करेंगे, बीच में से फोल्ड करेंगे हम इस तरह से, हम इसे फोल्ड करेंगे। हमारा एक तो सबसे पहले हम इसको सीधा करेंगे यहाँ से कपड़े को, आप किसी फुटे की हेल्प से कर सकते हैं, स्केल की हेल्प से। तो कपड़े को हम सबसे पहले सीधा कर लेंगे, इस तरह से निशान लगाएंगे।
इसको करने के बाद में हमने क्या करना है, अपना जो तैयार हमारा था मतलब ओपन में हमारा 20 था, तो बंद करके हमारा 10 बैठा पल्ला, तो यहाँ पर हमने 10 पर ये मार्किंग करनी है, और ये 2 इंच का इसके अंदर हमने एक्स्ट्रा मार्जिन हमने यहाँ पर डाला हुआ है, तो यहाँ पर ये 2 इंच है, ठीक है, इस तरह से। अब तो जाते हैं यहाँ तीरे की साइड में जिधर हमारे शोल्डर होंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कपड़े को हम स्ट्रेट करेंगे, स्ट्रेट करना बहुत ज़रूरी होता है कपड़े को, तो आप इस तरह से स्ट्रेट कर लें, और ये हमारा कपड़ा सीधा हो गया है यहाँ पर। अब हमने क्या करना है, हमारा जो तीरा था वो था 14 इंच, तो 14 इंच के हिसाब से हमें यहाँ पर लेना है 7 इंच। आप देख सकते हैं ये 4 फोल्ड है, ये मैं आपको बताना भूल गई थी, ये 4 तह में हुआ हुआ है इस टाइम पे, 4 फोल्ड है, और ये बंद वाली साइड मेरी तरफ है, ठीक है, और ये खुली साइड इधर की साइड में है, तो बंद वाली साइड से हमें तीरा नापना है, हम लेंगे 7 इंच तीरा, 7 इंच पर हम मार्किंग कर देंगे। उसके बाद में हमें यहाँ पर लेना है 7 इंच, जितना हमारा तीरा होता है उतना ही हमारा आर्म होल का निशान लगेगा, तो यहाँ पर हमारा 7 इंच हो गया दोस्तों, इस तरह से। अब हम इस मार्क को यहाँ से पूरा एक कर लेंगे इस तरह से फुटा, और यहाँ से आपने देखना है कि यहाँ का भी हमारा 7 होना चाहिए इस तरह से, ठीक है, एक बॉक्स टाइप बन जाना चाहिए, तो ये नापना बहुत ज़रूरी है, तो ये वाला नहीं मार के ये वाला मार के, ठीक है, ध्यान रखें। ऐसे फ़ायदा होता है कि जैसे थोड़ा पहले ये गलत चला गया था बाद में सही हो गया है, तो इस तरह से हम अपना जो है फुटा रखेंगे और इसे हम स्ट्रेट कर लेंगे इस तरह से, लाइन को स्केल से हम सीधा कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर लेंगे हम अपनी ब्रेस्ट का नाप, तो हमारे जो ब्रेस्ट यहाँ पर है वो है 37 इंच, तो उसके अंदर जो आधा आएगा वो है 18.5। अब हमें क्या करना है, हमें चौथा भाग लेना होता है, जैसे कि मैं आपको एक तरीका बता देती हूँ बहुत आसान, मान लो अगर आपका जो है ब्रेस्ट साइज है यहाँ पर 37, तो यहाँ पर आप इस तरह से करके इस तरह से इसे हाफ में कर लेंगे, और आप देखेंगे 18.5 है सॉरी, उसके बाद में आप इसे इस तरह 18.5 पे करेंगे, और इस तरह से करके आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका ये इस जगह पर आया है, ये रहा, ये 9 और 2 पॉइंट आगे है, ठीक है, इस तरह से, तो हमें इतना यहाँ पर नाप रखना है, ठीक है, तो यहाँ से हम इसे रखते हुए इस तरह से इसको हम मार्किंग करेंगे, और यहाँ पर ही हम मार्किंग करेंगे फुटे से, ठीक है, सीधी मार्किंग होनी चाहिए एकदम इस तरह, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा इतना है, और इस तरह से, और यहाँ 2 इंच हम लेंगे इसका मार्जिन जो कि हमारा सिलाई के अंदर जाएगा कपड़ा, ठीक है, यहाँ पर है हमारी सिलाई जहाँ हमारी सिलाई आनी है। तो अब यहाँ पर हम लेंगे दोस्तों अपना कमर का नाप, तो यहाँ पर मोस्टली हमारा जो आएगा वो 14 इंच आता है, ठीक है, आप उसे 15 भी रख सकते हैं, 14 भी रख सकते हैं, तो यहाँ पर जो मैं हमारी कमर का जो नाप है वो यहाँ पर लूंगी मैं 15 इंच, 15 इंच पर हम करेंगे आधा, तो 15 इंच का आधा बैठेगा हमारा 7.5, 7.5 पर हम यहाँ पर लेंगे, 7.5 पर करेंगे इसको, और 7.5 पर हम यहाँ पर एक मार्क करेंगे इस तरह से, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा हमारी कमर का नाप, ठीक है, इस तरह से, तो हमारी जो कमर का जो हमारा नाप है वो है हमारा 32 इंच, ठीक है, 32 का हाफ होता है 16, और 16 का हाफ हमारा आएगा, ठीक है, 8 आएगा, तो यहाँ से हम 8 ले लेंगे, 8 पर निशान लगाएंगे इस तरह, ठीक है, यहाँ पर ये हमारा सिलाई लगेगा, और यहाँ से हम लेंगे 2 इंच हमारा मार्जिन, ये हमारा मार्जिन रहा। अब यहाँ से हम लेंगे दोस्तों, और एक तरीका और है गाइज, आपको अपनी कमर का और हिप का नाप और गले का करने का, कि आप यहाँ से रखेंगे और आप यहाँ से लंबाई लेंगे 21 तक आपने ले लेना है, 21 पर आपके हिप आएंगे, 21 या फिर 21.5 पर आप ले लें, वो आपकी मर्जी है, ठीक है, तो यहाँ पर आपके हिप आने हैं, और 21 इंच पर हम अपने हिप नापेंगे, तो हमारे हिप का जो है हिसाब वो है 36, तो 17 17, तो यहाँ पर रखेंगे गोलाई वो होगी 9, क्योंकि 36 इंच के हमारा घेरा है हिप का, तो हम यहाँ पर 18 18 का आधा आएगा 9, और यहाँ पर हम डालेंगे 2 इंच का मार्जिन इस तरह, ठीक है, तो इन निशानों को हम सभी निशानों को आपस में हम मिला देंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब बात कर लेते हैं आर्म होल की, यहाँ पर आपने इस तरह से गोलाई दे देनी है, इस तरह से, ठीक है, तो ये जो मैंने यहाँ पर मार्किंग की है दोस्तों, ये है हमारी बैक, जो हमारी बैक इसका जो होगा बैक साइड, अब इसी के अंदर हम इस जगह से बीच में से 1 इंच का मार्जिन करते हुए इस तरह से, फ्रंट की भी हम इसके अंदर ही
मार्किंग कर लेंगे बहुत ही आराम से, हल्के हाथों से करनी है। तो ये हमारा फ्रंट का हो गया, ये हमारी फ्रंट का हो गया है और ये हमारा बैक का हो गया है। तो कटिंग करते वक्त सबसे पहले हमें जो ध्यान रखना है, हमें बैक साइड काटनी है, उसके बाद अलग करने के बाद में हमें फ्रंट साइड काटनी है। दोस्तों यहाँ से हमें आधा इंच डाउन ले लेना है इस तरह से, थोड़ा सा यहाँ से करके जैसे जितना हमारा गला होगा, उसके बाद में हमें कंधे हल्के से यहाँ से आधे इंच डाउन ले लेने हैं क्योंकि हमारे शोल्डर थोड़े ढलके हुए होते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए यहाँ पर जो हमारे गला है इसमें बीच में हमें यहाँ पर एक निशान लगाना होगा इस तरह से एक निशान हम, और एक निशान हम यहाँ लगाएंगे ऊपर करोगे हमें थोड़े से इस तरह, एक निशान हम लगाएंगे यहाँ पर जहाँ से हमें अपना मोड़ना है पल्ला वहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं इसमें लगाऊंगी इस जगह पे क्योंकि मुझे सिर्फ 1 इंच ही मोड़ना है इस तरह। इससे क्या होगा कि हमारे निशान आपस में मिलेंगे तो उससे क्या होगा हमारे सूट की जो है एकदम जो हमारी लंबाई है हमारी जो फिटिंग है वो एकदम सही बैठेगी। अब हम क्या करेंगे जो हमारा अगला हिस्सा है फ्रंट, इसमें हम कटिंग दे लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले जो अंदर वाला कपड़ा है उसको हम हटा देंगे और जिस पर हमने मार्किंग की हुई है उसको हम कट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले कपड़े को बहुत अच्छे से मिला लें, कपड़े में कहीं पे भी सलवटें नहीं रहनी चाहिए। हम इसे कट कर लेंगे कपड़े को, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का हम पूरे को कट कर लेंगे। बैक पल्ला है इसको हम बहुत ही अच्छे से इस तरह से मोड़ कर रखेंगे क्योंकि हमें नाप भी लेना है अभी इससे बैक साइड का, और ये हमारा फ्रंट है इसको भी हम इसी तरीके से मोड़ कर रखेंगे ताकि इसमें सलवटें ना आए और हमारा कटिंग बहुत अच्छे से हो इस तरह से। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ये आपस में इस तरह से अटैच होता है, आप देख सकते हैं फ्रंट और बैक आपस में अटैच है और ये बाजू भी अटैच है। तो इन्हीं सब चीज़ों को हम निकाल लेंगे, आपस में से अलग अलग कर लेंगे हटा के, ठीक है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर अपर आपको दिखा दिया है, आप देख सकते हैं इसका जो गला है ये बोट नेक में बनाया गया है, तो आपको उसी चीज़ को ध्यान रखते हुए इसको कट करना है। और यहाँ पर एक चीज़ और है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो दामन है, मान लो अगर आप किसी की लेंथ ले रहे हैं और उसका इस तरीके का सूट है तो ये दामन इसका हट सकता है, आप इसे हटाकर कपड़े के ऊपर रख दीजिए, इसकी हाइट भी कम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मुझे इसकी पूरी हाइट चाहिए, ठीक है, हाइट इसकी पूरी लेनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्योंकि इसका गला बना हुआ है, इसके गले को हम बीच से पकड़ेंगे, जो बीच आप देख रहे हैं इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखना है, जो गले वाले सूट होते हैं उसके अंदर हमें ये बीच का ध्यान रखना होता है वरना गला इधर उधर हो जाता है और जो हमारा अपर होता है सूट होता है वो बिगड़ जाता है। इस तरह से पकड़ते हुए हम इसको यहाँ से इस तरह फोल्ड करेंगे और बाकी सूट को भी हम इसी तरह से। सो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गला हम अच्छे से मिला लेंगे आपस में इस तरह से, आपस में एम्ब्रॉयडरी मिलाते हुए, और यहाँ से भी हम इसका पूरा बीच कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसी वजह से कितना कपड़ा एक्स्ट्रा निकल गया है साइड में, तो इसीलिए मैं ये बोल रही थी कि अगर हम कपड़े से कपड़ा मिलाएंगे तो क्या होगा, गला हमारा तिरछा हो जाएगा, तो हमें सबसे पहले गले को आपस में यहाँ से मिलाना होता है। तो इस तरह से मैंने पूरा सूट अच्छे से बिछा लिया है, ये हमारा फ्रंट है, तो ये हमारा फ्रंट का जो कटिंग था वो हमने यहाँ पर ले लिया है। अब इसे हमने जैसे तय बनाकर रखा था इसे इसी तरीके से इस पर रखना है इस तरह से, और यहाँ पर आपको गले से 1 इंच ऊपर रखना है, ताकि 1 या आधा इंच, आधा इंच काफ़ी रहेगा ताकि वो आपका सिलाई में जाएगा। और यहाँ से आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पर एक सूत के बराबर भी इसमें फ़र्क नहीं आना चाहिए वरना आपका कपड़ा जो है छोटा बड़ा हो जाएगा, सिलने में दिक्कत करेगा। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल इस तरह से मिलाकर रखनी है पूरे सूट में। अस्तर को भी आप एक बार हाथ मार लेंगे आराम से इस पर, ताकि अगर ये आगे पीछे हो रहा हो तो सारा आपस में एक साथ हो जाए बहुत ही आराम से। थोड़ा ध्यान से आप इसे काम को कीजिए, इस तरह से आप इसे रख दें। ये हमारा फ्रंट पूरा इस तरह से हमने रख लिया है नीटली, और इस पर हल्का सा ऐसे हाथ कर ले। इस लाइन का ध्यान रखें, ये लाइन आपकी सीधी आनी चाहिए, अगर ये सीधी नहीं है तो इसका मतलब यह है कि फ्रंट आपका सही नहीं रखा हुआ है, आपका जो कपड़ा सही नहीं रखा हुआ है, तो लाइनों को बिल्कुल सीधा करना है यहाँ पर इस तरह से। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे सूट के अंदर भी ये हमारा अब बिल्कुल एकदम सीधा हो गया है कपड़ा। थोड़ा पेशेंस के साथ में काम करें दोस्तों। तो इस तरह से मैंने ये बिल्कुल बिछा दिया है बराबर करके। यहाँ पर आप चाहे तो इसे इस तरीके से भी कट कर सकते हैं कैंची के साथ में पूरा अपने इससे जो आपका नाप है उसके हिसाब से, वरना सबसे अच्छा अगर बहुत मतलब सहूलियत के हिसाब से करना चाहते हैं तो आप इस पर चौक चौक से इस तरह से पूरे पे मार्किंग कर दें। इतना मैंने यहाँ पर 4 इंच का गैप किया है, 3 से 4 इंच चल जाता है, ठीक है, तो इतना हमें ले लेना है। अब मैंने इस पर मार्किंग कर ली है साइड में, ये मैंने मार्किंग कर ली है पूरी, और अब मैं इसको अपने कपड़े को हटा दूंगी और सारे से मार्किंग पर कैंची से बिल्कुल नीटली पूरा कट कर लूंगी, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कट करके।
तो दोस्तों इस तरह से हमारा ये कट हो गया है, और सब निशान हम लगा लेंगे साइडों में, और यहाँ पर गले में भी हम बीच में एक निशान लगा लेंगे। सारे निशान जो हमने अस्तर में लगाए हैं वो सभी निशान हम इसके अंदर भी लगा देंगे। अब हम चलिए बैक की कटिंग कर लेते हैं। ये हमने इसकी बैक साइड को डबल फोल्ड करके भी बिछा लिया है। ये बन साइड मेरी साइड है और ओपन वाली उधर है, ये पीछे का पल्ला है। अब इसके ऊपर भी हमें क्या करना है, पहले तो हमने जो फ्रंट किया हमारा जो पल्ला था, जो हमारा फ्रंट है उसकी पूरी लंबाई हमने नाप ली है, उससे हमें इस क्योंकि उसका बॉर्डर तैयार है तो इसके अंदर हमें लेना होगा 2 इंच एक्स्ट्रा। अगर आपका इस तरह से मुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन ये मुड़ा हुआ है तो इसके अंदर मुझे कोई एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं है। तो ये मेरा पूरा कंप्लीट आ रहा है, अगला फ्रंट और ये बराबर है, तो मुझे इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं है, ये मुझे पूरा ही लेना है। अब इसके ऊपर हमने क्या करना है, जो हमारा बैक का जो हमारा कटिंग था अस्तर का, वो हम रखेंगे बंद वाली साइड अपनी ओर रखेंगे और खुली साइड उधर की साइड में रखेंगे परली साइड को। और अगेन हमें इसके अंदर में कोई भी हमें जगह नहीं छोड़नी है, बिल्कुल इस तरह से मिलाकर बिल्कुल रखना है कपड़े से, ठीक है। और अगर हम कपड़ा छोड़ते हैं तो वो क्या है सिलाई में बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। फिर इस तरह से हम इसे बहुत अच्छे से नीटली मिलाते हुए हल्के हाथों से रखते जाएंगे। और अब यहाँ से हम इसको इस तरह से रख लेंगे। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट इस तरह से रखा गया है कपड़ा। अब हम इसको कट कर लेते हैं। अब हम इसकी बाजू कट करेंगे। सो गाइज ये है इसकी बाजू, आप देख सकते हैं यहाँ बाजू में इसके बहुत कपड़ा कम है, जैसे कि हमारा आर्म होल इसके अंदर नहीं बनेगा, हमें इसमें दोनों साइड में जोड़ देना होगा। तो उसके लिए जो हमारा साइड में से जॉर्जेट का ये कपड़ा निकला था इसका हम जोड़ देंगे। सो गाइज मैंने इस तरह से आप देख सकते हैं बाजू में जोड़ लगा लिया है, ये इस तरह से इधर लगाया है। वो जो कतरन साइड से निकली थी वो मैंने इस तरह से लगा ली है। और इनकी कटिंग में इसमें जब इसकी फिटिंग डालूंगी, इसके लिए मैं कटिंग करूंगी, तब इसकी कटिंग और अच्छे से कर दूंगी। तो यहाँ पर हमें जो लंबाई रखनी है वो रखनी है यहाँ पर तैयार 18 इंच। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आगे से तो तैयार है, तो कुछ फोल्ड करने के लिए नहीं रखना है। अदरवाइज़ अगर आप 18 इंच की बाजू बना रहे हैं तो उसके अंदर आप 1.5 इंच के करीब जो है मोड़ने का कपड़ा रखेंगे। अगर बाजू का कम है तो 1 इंच तो बिल्कुल रखना ही है, इस तरह से आपको ले लेनी है। अगर कपड़ा कम हो तो आप उसमें पट्टी जोड़कर भी अंदर की साइड को फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन इसमें बॉर्डर बना हुआ है और साथ ही इस पर जो है मोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये इसकी दूसरी बाजू है, इस तरह से हम इन्हें मिला लेंगे आपस में जैसे आप देख पा रहे होंगे। और उसके बाद आपने इस पर प्रेस ज़रूर कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद में आप इन्हें मिलाने के बाद बीच में से फोल्ड कर लेंगे इस तरह। जॉर्जेट कपड़ा जो होता है दोस्तों ये थोड़ा मुश्किल होता है कट करना, इसीलिए आप बहुत ही सावधानी के साथ में इसे कट कीजिएगा, वरना ये छोटा बड़ा भी कट सकता है, ठीक है। इसलिए आप बहुत ही थोड़ा टाइम देकर इसको अच्छे से पहले मिला लीजिए आपस में, इस तरह से डिजाइन इस तरह से। ये हमारा फोल्ड हो गया है, हमें साइड में इसके जोड़ लगाना पड़ा क्योंकि बाजू में सिलाई के लिए कपड़ा कम पड़ रहा था। तो इस तरह से हमने इनको रख लिया बिल्कुल बराबर करके। सबसे पहले हम यहाँ से इसको बराबर कर देंगे, पहले हम 18 इंच का अपना नाप लेंगे जो हमें तैयार रखनी है, बिल्कुल सीधा रखना है हमें इंच टेप को और यहाँ पर निशान लगा देना है। तो इतनी बाजू हमें तैयार रखनी है, इस निशान को हम स्केल से सीधा कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सीधा कर लिया है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, हम यहाँ से लेंगे 3 इंच, इस जगह से हम 3 इंच डाउन करेंगे। आप 3.5 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, तो मैं यहाँ पर 3 कर लूँगी। इस तरह दोनों साइड से नाप लें। अब हम इन्हें आपस में मिला लेंगे, निशान लगा लेंगे इस तरह से। हमने निशान लगा लिया है, तो दोस्तों यहाँ से और यहाँ तक हमारी गोलाई आएगी, ठीक है। हमें जो यहाँ पर आर्म होल इसका बाजू का जो बाइसेप्स रखना है वो हमें रखना है 7 इंच, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने 7 इंच पर निशान लगा दिया। 7 इंच के बाद में मैं इसमें 1 से 1.5 इंच के करीब लूँगी, ये हम लेंगे इसमें मार्जिन, ठीक है।
तो हमारी जो कटिंग होगी वो यहाँ पर आके रुकेगी, इस तरह से हम गोलाई दे लेंगे। हमें जो लेना है वो जितना आपको बाजू यहाँ से गोलाई पहनते हो आप उस हिसाब से ले लीजिए। मुझे यहाँ पर रखना है 5.5, क्योंकि थोड़ा यहाँ पर कपड़ा कम आ रहा है तो मैं यहाँ पर 5.5 लूँगी और यहाँ से इसको फिटिंग दूंगी। मेरे केस में यहाँ से मुझे काफ़ी पड़ रहा है तो मैंने पूरा कपड़ा नहीं लिया यहाँ तक, ठीक है। अब चलिए इसको हम कट कर लेते हैं। अब हम इसको बीच में से इस तरह से कर लेंगे। ये करते हुए हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों कि जो हमारे कपड़े की सीधी साइड है वो एक तरफ को होनी चाहिए इस तरह से, ठीक है। आर्म होल की कटिंग करते हुए इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, या फिर अगर आप कोई इस तरीके के प्रिंट का काट रहे हैं तो उसमें प्रिंट का हिसाब रखें कि वो प्रिंट ऊपर है कि नीचे है, उल्टा है या सीधा है। सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप कपड़े को तभी कट करें। मैं बार बार कहती हूँ कि आप थोड़ा टाइम ले लें, लेकिन पेशेंस के साथ में अपने फैब्रिक को कट करें। अब यहाँ पे एक साइड में आपको फ्रंट साइड में थोड़ा कटिंग डालना है, इधर से आप थोड़ा सा ऐसे करते हुए इस तरह से आप फ्रंट में कटिंग करेंगे। इससे क्या होगा, जो आपका आर्म होल होगा और आपका सूट होगा वहाँ पर बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो इस तरीके से आपको कट कर लेना है और ये आपकी बाजू तैयार है इस तरह से। तो दोस्तों मैंने आपको अपना सूट कट करके दिखा दिया है और ये पूरी मैंने आपको डिटेल से कटिंग करके बताई है सूट की। ये पाकिस्तानी सूट है और पाकिस्तानी हो या इंडियन, सभी के जो अस्तर की कटिंग होगी वो इसी प्रोसेस से होती है, ठीक है। पाकिस्तानी सूट कट के तैयार है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो इसका बॉटम है वो मैं किस तरह से छाटती हूँ और उसका नाप और कटिंग आपको अगली वीडियो में मैं दिखाऊंगी। तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर और मेरे चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो। और मैं अपने चैनल पर बहुत सारे आइडियाज़ भी शेयर करती हूँ तो वो भी आपके बहुत काम आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।